जब भी लोग चित्राल का नाम लेते हैं तो उनके जहन में ये आता है कि चित्राल के लोग खूबसूरत है, आज़ाद ख्याल है, लेकिन खूबसूरत ज़रूर है लेकिन बहुत बाहया लोग हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कबीर अफरीदी। चित्राल का ट्रिप, जो भी टूरिस्ट जो भी सयाह चित्राल जाते हैं और कैलाश वैली ना देखे तो वो बहुत कुछ मिस कर जाते हैं। चित्राल शहर से सफर का आगाज किया हमने, अयून से होते हुए हम आगे बढ़े और रोड की हालत आप खुद देख ले, रोड किस तरह है। किसी इलाके को भी आबाद करना हो तो वहाँ के रोड को लाजमी ठीक करना चाहिए, क्योंकि टूरिस्ट या विजिटर्स तब जाएंगे वहाँ जब वहाँ तक रसाई इजी हो, मुमकिन हो। तो रोड की हालत आप खुद देख ले कि आया इस तरह रोड हो तो ज़्यादा लोग जा पाएंगे या नहीं। अच्छा जी, चित्राल बाजार से हमने ड्राइव किया 2 घंटे, बिलाखिर हम पहुंच गए बम्बुरेत। बम्बुरेत में ये है होटल अलेक्जेंडर और होटल तो लग रहा है बड़ा अच्छा। बम्बुरेत मशहूर किस लिए हैं, ये आपके साथ शेयर करने वाले रिच कल्चर है, वो कल्चर आपको दिखाना चाहते हैं। स्टे ट्यून्ड। यासिर भाई इससे थोड़ा जानना चाहेंगे, हमारे साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करिए बम्बुरेत के बारे में। जी यासिर भाई, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूँ। आप लोग हमारे पास आए, हमारे वैली में ठहरे, कैलाश को प्रमोशन मिली आप लोगों की वजह से। आप जैसे लोग हमारे लिए जो है ना एक गिफ्ट हैं, क्योंकि हमारे इलाके को भी एडवर्टाइज़ करना चाह रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट हमारे वैली में आएँ। मैं होटलिंग में भी हूँ, मैं कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ, कैलाश ट्राइब से मेरा ताल्लुक है। चित्राल जो कि सबको पता है कि केपी का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है रकबे के लिहाज से, यहाँ पे मुख्तलिफ टूरिस्ट पॉइंट्स है। फॉर एग्जांपल यहाँ का जो है चित्राल जो है बरोगुल जो वैली है, वहाँ का करम्बर लेक ग्लेशियर भी देखना हो तो वहाँ पर जो है जीप, उसके बाद हॉर्स के ज़रिए भी लोग वहाँ पहुँचते हैं, एडवेंचर करते हैं। इसके अलावा गर्म चश्मा वैली है टूरिज्म के लिए, यारखुन वैली जो है, यासिन वैली। इसके बाद सबसे जो टिपिकल हमारे 3 वैलीज़ हैं, कैलाश वैलीज़, ये यहाँ का कल्चर, यहाँ का सकाफत जो है, हमारी ट्राइब जो है पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलती है। जो है हमारी जो है कैलाश एक ट्राइब भी है, ये एक कौमियत भी है, एक रिलीजन भी है। तो ये 3 वैलीज़ में से ये बम्बुरेत कैलाश वैली जहाँ हम बैठे हुए हैं, ये बम्बुरेत कैलाश वैली कहा जाता है। कैपिटल है 3 वैलियों का, रेस्ट ऑफ द वैलीज रंबूर और तीसरी वादी हमारी बरीर है। ये 3 वादियों में मिलाकर 3800 से 4000 लोग कैलाश रह गए हैं, यहाँ फंस रहे हैं। तो टूरिस्टों के लिए, ख़ासकर जो टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं, जो एडवेंचर करना चाहते हैं, जो फैमिलीज आते हैं, ज़्यादा इंजॉय करते हैं यहाँ कैलाश में आके, यहाँ इनकी कल्चर देख के, हमारी कल्चर देख के, हमारे ये यूनिक सकाफत देख के। ये हम भी मेहमान नवाज लोग हैं, कैलाश सीधे साधे लोग हैं, लेकिन मेहमान नवाज, टूरिस्ट को अपना मेहमान समझते हैं, मेहमान समझ के डील करते हैं। यहाँ पे जो है घूमने के लिए डे टाइम में लोगों के लिए चाइनल ट्रैक जो है, हाइकिंग ट्रैकिंग और गांव है, फैमिलीज आए तो उनके लिए फैमिलीज विजिटिंग भी ईजी है। आंटियों के एंटीक शॉप्स यहाँ पे हैं और यहाँ पे जो है सेमेट्री 2 है, जो कि यहाँ के कैलाश ट्राइब बल्कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है एक ओल्ड सकाफत के वाले से। तो यहाँ पे तकरीबन हमारी जो है फिश ट्राउट फिश फार्म एंड ऑफ वैली, 3-4 गांव है, म्यूजियम है, म्यूजियम यहाँ का जो है के पी लेवल का।
इलाके को आबाद करने के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ने स्टेप्स भी लिए, पोर्ट्स बनाए हैं सयाह को अट्रैक्ट करने के लिए, तो एक अच्छा स्टेप है, हमें अप्रिशिएट करते हैं, इसलिए हमने व्लॉग का हिस्सा भी बनाया। अच्छा, कैलाश लोग पहुंच जाते हैं, बम्बोरे देखते हैं, लेकिन मजीद उनको पता नहीं चलता कि हमने क्या क्या करना है, क्या देखना है और क्या दिखाना है। तो चलते हैं, ये भी आपके साथ शेयर होगा, थोड़ा नजर डालते हैं मुख्तलिफ विलेजेस पर। लकड़ी के मुजस्मे है और इनके हवाले से मैं आपको बताता हूँ। इनका रियलिटी होता है सर के, इनको जो है ना लोगों की याद में बनाया जाता है, और बनाने के बाद ये छोटा पार्ट इसको बोला जाता है, हम इसको कुंदूरिक बोलते हैं, और फिर इसको अपने जो है ना जो बंदे का खास जगह होता है उधर रखा जाता है, और इसके बड़े पार्ट जो होते हैं वो कब्रिस्तान में ग्रेवयार्ड में रखा जाता है। और इसके अलावा सर ये इनका और कोई वो नहीं होता है किसी चीज़ का, या इनको इबादत करे या ऐसा कोई मामला नहीं होता है, बस ये याद में रहता है, ये इनकी जो है ना हकीकत होता है। और असल बात ये है कि ये सिर्फ मर्द असरात के नाम पे जो है ना बनाया जाता है, औरत के लिए जो है ना ये नहीं होता बिल्कुल। और इसको इसको बनाने के बाद सर ये जो बंदा होता है वो काफ़ी जो है ना हमारे तीनों कबीलों को बुलाता है, जिसमें रंबूर, ब्रीर जो है ना और बम्बरेत, वो सारे इधर आते, इनके रस्म रिवाज को अदा की जाती, फिर जो है ना सर इनको जो है ना एक खूबसूरती के साथ लाके इधर लाके जो है ना इसको खड़ा किया जाता है, और इनके दूसरे पार्ट जो होता है वो ग्रेवयार्ड में रखा जाता है, वो भी हम देखेंगे। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? फर्स्ट ईयर। और एजुकेशन लेवल किस तरह है यहाँ का? मुतमईन हो? स्टूडेंट यहाँ पे इंग्लिश उर्दू उनकी सही होती है? हाँ। अच्छा, और गवर्नमेंट की तवज्जो भी एजुकेशन पर है? हाँ। अच्छा, कहाँ तक यहाँ पर क्लासेस है सबक, यानी कॉलेज लेवल भी है कि नहीं, फिर चित्राल सिटी जाना पड़ता है? और स्कूल दूर कितना है या नज़दीक है? अच्छा, अच्छा क्या नाम अच्छा, है इसका? बाजी गोल कौन सी क्लास में हो? नाइन। और सबक से मुतमईन हो, सेटिस्फाई हो, एजुकेशन लेवल अच्छा है यहाँ पर? हाँ, अच्छा। टीचर कोऑपरेटिव है? और बताओ यहाँ पर लोग अच्छे? हाँ। जो बरादरी है यहाँ पर, यहाँ पर तो दो किस्म के लोग है ना, एक तो हाँ। आप लोगों का है क्या बोलते है इनको? हाँ, कैलाशी लोग। और आपके करीब मुस्लिम लोग भी है, तो आप इसमें भाईचारा सब कुछ अच्छा है? अच्छा। लोग तो मायूस नहीं है ना? नहीं। अच्छा, और जहाँ पर जो टूरिस्ट आएंगे उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो सयाह यहाँ पर आते हैं? इलाके को साफ रखे, इलाके के कल्चर का लिहाज रखे, इस तरह कुछ मैसेज आप शेयर करें ना, ताकि जो भी आने वाले लोग हो वो ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखे इलाके गाँव का। जी, तो क्या मैसेज देना चाहोगे यहाँ पर जो विजिटर्स आते हैं? क्या इलाके का खास ख्याल रखे और गंदगी ना करे, जब कोई चिप्स वगैरह खाते हैं तो यहीं पर फेंक के चले जाते हैं, और सकाफत का भी ख्याल रखे। हाँ।
तो अच्छा मैसेज दिया, सफाई का खास ख्याल रखिए, इलाके का भी ख्याल रखिए। जब भी चित्राल जाएंगे, चाहे वो काफिरिस्तान हो, कैलाश या चित्राल के मुख्तलिफ पार्ट्स हो, लोग बहुत फ्रेंडली है, मेहमान नवाज हैं। तो जो भी टूरिस्ट वहाँ जाते हैं, वहाँ के कल्चर का, वहाँ के लोगों का, स्पेशली लेडीज़ का ख़ास ख्याल रखें। वहाँ के तौर तरीके, जितने भी दस्तूर है, वो बहुत बाअदब हैं, बहुत बाहया लोग हैं। तो उनके फ्रेंडली दोस्ताना माहौल का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। अपनी सोच को मुस्बत रखनी चाहिए और वहाँ के लोगों को आप ऐसा तासुर दीजिएगा ताकि वो नेक्स्ट टाइम भी मज़ीद टूरिस्ट को वेलकम किया करें। जो भी सयाह चित्राल आते हैं, कैलाश वैली आते हैं, तो यहाँ से बहुत सारे गिफ्ट भी ले जा सकते हैं। इनके ट्रेडिशनल आइटम जो कि ये खुद हाथ से बनाते हैं, यहाँ पर नेकलेस है, टोपी है, इनके बहुत से आइटम हैं जो कि आप इस वक्त देख सकते हैं। तो भाई से भी जानना चाहेंगे कि टूरिस्ट के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। हम कैलाश लोग हैं ना भाई, हम कैलाश लोग, हमारे कल्चर का सामान बनाता है, फिर उधर से टूरिस्ट आते हैं, हम बेचते हैं ये सामान, हम बेचते हैं। हमारे यहाँ और कोई भी उन्हें कारोबार नहीं है भाई, हमारा कैलाश को ये सामान हम बेचते हैं। ये कितना टाइम में तैयार होता है, मिसाल के तौर पे ये पीस अगर देख ले, ये कितना टाइम? ये 5 दिन 4 दिन पहले वो चीज बनाता है, फिर ये चीज हम बनाता है भाई, मोती वो बनाता है, कपड़ा बनाता है, महीना में कपड़ा तैयार होता है भाई, कपड़ा भी खुद बनाते हैं, फिर सारे चीज हम खुद हाथों से बनाते हैं, सारे ये हमारा कल्चर है भाई कैलाश का। जब फयाज, हालात काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, डिजिटल दौर है, और फिर से इस तरह पंचकी देखना कैलाश की इस खूबसूरत वादी में आपको भी बड़ा पसंद आया होगा। जी बिल्कुल कबीर भाई, आजकल की जनरेशन को तो शायद पता ना हो इन चीज़ों का, मुझे भी बचपन की याद आई है, मैं जब छोटा था आया हुआ था, तो इसका सिस्टम यही होता है कि नदी को डाइवर्ट करके इसके नीचे जो पंखा चक्की होती है, उसको ऊपर पंखा होता है, वो रिवॉल्विंग करती है, तो उससे ये पीसते हैं और ये आटा बनता है, आटा बनता है। तो चलते हैं, देखते हैं, एक नज़र अंदर डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा दोस्तों, इस वक्त मैं चित्राल के वादी कैलाश में, जो हम सुनते आ रहे थे कि यहाँ के लोग बहुत रिच कल्चर है, मुख्तलिफ किस्म का ट्रेडिशन है इनका, तो जो हम सुनते आ रहे थे कि ये मुर्दों को खुला रखते हैं, तो इस वक्त हम पहुँच गए हैं कब्रिस्तान। आपको दिखाना चाहते हैं, ये आप देख सकते हैं, सारे बॉक्स यहाँ पर खुले पड़े हैं और हड्डियाँ भी नज़र आ रहे हैं आपको। ये कब्र आप देख लें, ये ज़्यादा लोगों को अगर पता ना हो तो आपको हम दिखा सकते हैं, अभी भी वो हड्डियाँ आपको नज़र आ रही है।
यहाँ पर चारपाई भी नज़र आएंगे बहुत सारे। इनके इंफॉर्मेशन के मुताबिक जिस डेड बॉडी को भी लाया जाता है वो चारपाई ये वापस नहीं ले जाते, यहीं कब्रिस्तान में ही रख देते हैं और चले जाते हैं। कैलाश वैली में आप मुख्तलिफ जगहों में जाएंगे तो आपको अजीब सा कल्चर वहाँ पर नजर आएगा। एक समय इस तरह फील होता है कि शायद हम बिल्कुल पाकिस्तान में है ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल ही मुख्तलिफ कल्चर आपको देखने को मिलेगा। तो ये जितने भी इलाके हैं आप देख सकते हैं, इनका जो ट्रेडिशनल लिबास है, इनके सारे गेटअप्स अगर आप देख ले तो बड़ा अच्छा लगता है। तो अगर हम इस टूरिज्म को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ज़्यादा दिखाएं, तो अनकरीब यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिस्ट आएंगे, यानी बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स यहाँ पर आना शुरू करेंगे। सयाह जो भी आना चाहते हो कैलाश वैली में, एकोमोडेशन का मसला बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर फूड सब कुछ अवेलेबल है, गर्म पानी होटल्स में, और आपके लिए दोस्ताना माहौल क्रिएट करते हैं यहाँ के लोग। तो सयाह अगर फैमिली के साथ आना चाहते हो, दोस्तों के साथ आना चाहते हो, तो उम्मीद है कि बहुत ही इंजॉय करेंगे यहाँ पर। रात 8 बजे बम्बू रेत में स्नोफॉल शुरू है और बॉन फायर के साथ हम मज़े ले रहे हैं। अब ट्रेडिशनल म्यूज़िक होगा, सकाफती शायद रक्स भी हो, और फिर होगा डिनर।